न्यूज़ ट्रैक की इस नई बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। आज इस न्यूज़ ट्रैक की नई बुलेटिन में हम उस चीज़ का जिक्र करना चाहते हैं जो हर इंसान के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, गिज़ा, हवा और पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और वो है तालीम। जिस तरह से हर फर्द पर नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरह से हर फर्द पर मर्द हो या खातून हो, उसके लिए तालीम हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी है। इससे पहले भी हमारी बुलेटिन में तालीम के मुतालिक हम बात कर चुके हैं, और फिर से एक बार मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि तालीम के बारे में जितनी भी बातें की जाए उतनी कम है, और हमें तालीम को बढ़ावा देना बेइंतहा ज़रूरी है। तरह से ग़िज़ा, पानी और हवा इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से तालीम का होना भी बेइंतहा ज़रूरी है। आप एक वक्त भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन तालीम के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, और आपका तालीम हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारे माशरे में ऐसे कई वजूहात हैं जिसकी वजह से हम तालीम सही से हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन तालीम का हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारे मज़हब में जो सबसे पहले हमें कुरान की जो आयत नाजिल हुई वो आयत है इकरा बिस्मिक। इकरा बिस्मिक का मतलब है कि पढ़ो अपने रब के नाम। लेकिन हमें अफसोस है कि जिसका मज़हब इकरा से यानी पढ़ने से शुरू होता है, उसके मानने वाले सबसे ज़्यादा गैर तालीम याफ्ता हैं। इसके कई वजूहात हैं, लेकिन हम यहाँ पे उन वजूहात में जाना नहीं चाहते। लेकिन इस बात की हमेशा हमारी कोशिश रही है कि तमाम पेरेंट्स, तमाम वालिदैन इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम फराहम की जाए, ताकि अपने वो मुस्तकबिल को संवार सके। किसी अच्छी स्कूल में पढ़ाना ये इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपका बच्चा अगर ज़हीन है तो आप किसी भी स्कूल में उसका दाखिला करा सकते हैं। लेकिन हम शहर में ऐसे कई मुस्लिम तालीमी इदारे भी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ का तालीमी मियार उतना मजबूत नहीं है, उतना आला नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कौम के कई पेरेंट्स वालिदैन दूसरे अंग्रेज़ी स्कूलों में उनका दाखिला कराते हैं। मैंने खुद भी एक म्यूनसिपलिटी स्कूल में तालीम हासिल की है, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए बच्चे का ज़हीन होना बहुत ज़रूरी है। अब हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, और इस हालात का मुकाबला करने के लिए हमें अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करना बेइंतहा ज़रूरी हो गया है। लेकिन अब यह खुशी की बात है कि हमारे तमाम वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहे हैं, और वो अच्छे से अच्छे तालीमी इदारों में अपने बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। और हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम पर फिक्र करे, अपने अखराजात में कमी करे, और फीस भरने में ताखिर ना करे, ताकि वो बच्चे अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल बना सके। फिर से एक बार इस बात का जिक्र करना बेइंतहा ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे कौम के जितने भी तालीम इदारे हैं, तो डिसिप्लिन के साथ साथ तालीम का मैार भी बढ़ाने की कोशिश करें, तो कौम के लिए भी भला होगा और मिल्लत के लिए भी भला होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम तालीमी इदारे अपने तालीमी मैार को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। या आजकल के दौर में जहाँ पे तालीम का बोलबाला है, और उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ वो है गर्ल्स स्टूडेंट, यानी लड़कियाँ तो ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और अपने इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर वो पास हो रहे हैं। मैं लड़कों से भी यही इस बात की गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपनी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दें और अपनी तालीम को पूरी करने की कोशिश करें, ड्रॉप आउट होने की कभी कोशिश ना करें। यहाँ पे बहुत से ऐसे एनजीओज भी हैं जो आपको तालीम में आपकी मदद करेंगे, और उनसे आप राबता कायम करें और तालीम ज़रूर हासिल करें। ऐसे स्कूल भी मौजूद है जहाँ पर तालीम का मयार दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, और वहाँ पर तालीम पाने वाले तालिबात इन साल के होने वाले 2024 के SSLC के इम्तिहानात में बहुत ही शानदार और नुमाया कारगर्दी की है, और उनका परसेंटेज भी बहुत ही काबिले सताइश है। हम तमाम गर्ल्स स्टूडेंट का जिक्र करना चाहते हैं जिन्होंने 2024 के SSLC के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। बेलगाम शहर के आज़ाद नगर में वाक़ ये स्कूल है, और स्कूल का नाम है बेगम लतीफ़ा जिमखाना वाला हाई स्कूल। यहाँ का तालीमी मियार काफ़ी अच्छा है, और मैंने कल ही ऐसे चंद स्टूडेंट से बातचीत की जिन्होंने अपने 2024 के SSLC के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। अब मिलते हैं वो तमाम स्टूडेंट से जिन्होंने अपने इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बता रहे हैं आप? मेरा नाम अफसाना समीर अख्तार है, और मैं बेगम लतीफ़ा जिमखाने वाला गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबे इल्म हूँ। मैं सो टेंथ में 90.08% किया है, और मैं गांधीनगर में रहती हूँ।
तो हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीच करते थे, टीचर बहुत सपोर्टिव थे और हमारे अम्मी अब्बा भी बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, और तालकोटी सर भी मैथ्स में बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे, मीनाश टीचर भी कन्नड़ बहुत सपोर्ट करते थे, बच्चों को डेली पोएम पढ़ने बोलते थे और जो करना है सो करना कर को बोलते थे, मसर टीचर भी साइंस डेली डायग्राम निकालने लगाते थे बोर्ड पर, और फिरदौस सर भी ऐसे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और मेरे कन्नड़ में 97% मार्क्स आए हैं, और मुझे एसएस में थोड़े कम पड़े इसलिए मैं फोटोकॉपी मंगाई हूँ। क्या वजह है इसकी कम पड़ने की? वो लिखी पूरा पेपर लिखो आए उससे है मगर उसमें थोड़े कम मार्क्स मिले, क्या भी वो रीचेकिंग को डालना करके डालने से। तो अब मैट्रिक करने के बाद क्या करेंगे? साइंस कर। कौन से कॉलेज? वो देख रहे हैं अभी। क्या बनने वाले आप? डॉक्टर। डॉक्टर, तो दूसरे लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? तो मैं वो बोलना चाहती हूँ कि घर में नहीं बैठना चाहिए, आगे जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करना चाहिए, गर्ल्स पूरा घर में बैठ को अपने यो करते रहते हैं ना, तो आगे जाको सबको फेस दिखा को अभी कुछ तो बनना, घर में बैठना नहीं ऐसे, तो शादी कर ले को नहीं जाना, घर में बैठ को नहीं करना चाहिए ऐसा, तो घर बैठ को भी पैसे कमा सकते हैं और बाहर जाकर भी हमें सीखो आगे कुछ बनने, तो अम्मी अब्बा को भी प्राउड फील होता है और हमने जो पढ़ाए थे उनको भी प्राउड फील करा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम महसबरीदा मोहम्मद शरीफ पाटिल है, मैं बेगम लतीफ़ा जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल में 3 साल अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हूँ। अभी SSLC के इम्तिहान में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं 89.92 मेरा परसेंटेज हुआ है, और ज़्यादा मैं कर सकती थी लेकिन थोड़ा नहीं हो पाया, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, और मैं फर्स्ट लैंग्वेज में आउट ऑफ आउट हुआ है और सोशल साइंस में भी आउट ऑफ आउट, लेकिन साइंस और मैथ्स में मेरे मार्क्स थोड़े कम हैं, तो उसकी वजह क्या है, मुझे वो सब्जेक्ट से थोड़ा डर लगता था, तो मैं बाकी मेरे जूनियर्स से कहना चाहती हूँ कि कौन से भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, हमें कर सकते हैं ऐसा सोचना, मेरी वो सोच गलत थी तो मेरा थोड़ा कम हुआ। और लड़कियों की तालीम ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, लड़के और लड़की में बिल्कुल फ़र्क नहीं है, लड़की भी उतना ही तालीम हासिल कर सकती है जितना कि लड़का हासिल कर सकता है, तो बिल्कुल भी घर में नहीं बैठना है और हमें आला तालीम हासिल करना है, और मैं डॉक्टर बनकर अपने कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, बस मेरा एक एम है। मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, मोटिवेट भी करें और मुझे बहुत अच्छे से तालीम दिए, और हमारे अम्मी अब्बू की भी मुझे बहुत अच्छी, उन्हें भी मोटिवेट करे इसमें, उनका भी बहुत सपोर्ट है। कहाँ रहते आप? आज़ाद नगर बी क्रॉस। जी शुक्रिया आपका आपसे बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सुहाना जैनुल्ला मकानदार है और मेरा सबसे ज़्यादा परसेंटेज कन्नड़ में हुआ है 96, और बाकी मेरा थोड़ा साइंस और मैथ में कम हुआ, तो मैं बस बताना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, मेरे पेरेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और जी कहाँ रहते हैं आप? असद खान सोसाइटी। जी फिर क्या करेंगे 10th करने के बाद? मैं डॉक्टर करने वाली हूँ। कौन से कॉलेज में आप एडमिशन? गुड शेफर्ड में साइंस कॉलेज है। ठीक, फिर क्या उनको मैसेज देंगे हमारी दूसरी जनरेशन आने वाली जनरेशन को? कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसे समझ के 10th के SSLC एग्जाम के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे मत पढ़ो, पूरा टेक्स्ट बुक्स में सब पढ़ो, पर जो स्कूल में जो टीचर्स समझाते हैं वो घर पर जाके रिवाइज करो, बस इतना। जी घर पर मत बैठो, कुछ पढ़ो। जी शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मदीहा हसन साहब नलबन है, मैं एक गांव की रहने वाली हूँ, हमारी हर गांव से मैं आती थी, हमारे स्कूल मेरा परसेंटेज 86.24 हुआ है। कौन से गांव से आते थे? मारीहाल। मारीहाल जी। मैं यहाँ पर जब मैं यहाँ पर आई तो मैं बहुत डरती थी कि क्या होगा, बेलगाम में कैसा पढ़ेंगे, मुझे डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैं स्कूल में आती गई वैसे ऐसे मैं इस स्कूल के असातिज़ाओं ने मुझे हिम्मत दी, अच्छी अच्छी तालीम दी और मुझे बताया कि तुम कर सकती हो। मेरा सबसे अच्छा रैंक साइंसेस में हुआ है, 94 पॉइंट हुआ है। मेरा सबसे कम परसेंटेज साइंस में हुआ है क्योंकि मैं साइंस में डरती थी कि मुझसे नहीं होगा, और ये इस बात है कि अगली जनरेशन के मैं बोलना चाहूँगी कि आप किसी बात पर डरिए नहीं कि आपसे नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए और जो भी समय 10th के बाद SSLC के बाद आगे साइंस लगाकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ,
और इस कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। और जो भी लड़कियाँ इस साल एसएससी की इम्तिहान में पास हुई हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप घर में मत बैठिए, बल्कि कुछ बनिए, अपने अपने पैरों पर खड़ी हुई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस कॉल को आगे बढ़ाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बीबी बदुल इरशाद अहमद मकानदार है। मैं उज्जवल नगर की रहने वाली हूँ। मैं बेगम लतीफ़ा जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल में 3 साल तालीम हासिल कर चुकी हूँ। मेरा परसेंटेज 85.9 का हुआ है। मेरा सबसे हाईएस्ट उर्दू और एसएस में हुआ है। उर्दू में मेरा 123 और एसएस में 97 हुआ है। बाकी का साइंस में कम हुआ है, क्योंकि उस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसका भी रिज़ल्ट कम हुआ है तो ये मत सोचो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ो और तालीम हासिल करो, क्योंकि बैक बेंचर्स भी हाईएस्ट कर सकते हैं, वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा एम है कि मैं साइंस लगा के आगे डॉक्टर बनूँ। जी, और क्या मैसेज देंगे? यही कि कुछ घर पर बैठ के घर के काम करने से अच्छा है बाहर जाके तालीम हासिल करो। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शिफा तबरेज रोटी वाली है। मेरा 84.64 परसेंटेज हुआ है इस साल और मैं न्यू गांधीनगर की रहने वाली हूँ। मेरा सबसे हाईएस्ट एसएस में 97 हुआ है और मैथ्स में थोड़ा कम हुआ है। मैं उसमें भी कर सकती थी लेकिन मैं डर की वजह से नहीं कर पाई और मुझे पेपर देख के बाद में भी डर लगा ना, उसमें वो मेन मेरी गलती थी। पेपर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कभी डरना नहीं, मैं उधर ही डर के आधा सारा लिख के आधा पूरा पेपर छोड़ के आई थी। वो गलती अभी आगे आप मत करो। और मेरा एम है मैं इंजीनियरिंग करूँ, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो मैं वो भी बन सकूँगी। और मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगी, इस ज़माने में लड़कियों की तालीम की बहुत अहमियत है और बहुत ज़रूरत है। आप घर मत बैठिए, आगे कुछ अपने बलबूते पे करके दिखलाइए, इसलिए आप आगे बढ़िए। ये स्कूल कैसी है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं? स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, खासकर और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कन्नड़ा और एसएस मैथ्स बहुत 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 मिनास टीचर तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे है, बहुत अच्छे है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफनान काजी है। बेगम लतीफ़ा जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने तालीम हासिल की है। मेरा परसेंटेज 84.48 हुआ है और मेरा साइंस और मैथ्स में बहुत कम हुआ है और उर्दू एसएस और इंग्लिश कन्नड़ में भी अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जितना भी हुआ है अच्छा हुआ है। और आगे मैं और भी कर सकती थी मगर साइंस और मैथ्स मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, ये मेरी गलती थी कि मैं इसे डिफ़िकल्ट समझती थी। अगर समझ के करती तो और अच्छा परसेंटेज होता और हमारे स्कूल का और माँ बाप का नाम और रोशन होता। मगर जितना भी होता है ये नहीं समझना चाहिए कि कम हुआ है, आगे कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैटर नहीं करता कि टेंथ का परसेंटेज ही, आगे हमारी लाइफ पूरी बहुत है, हम आगे भी बढ़कर कर सकते हैं। मेरा एम डॉक्टर बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे अशफाक तालिकोटी सर भी बहुत अच्छा मैथ समझाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और हमारे अशफाक मकानदार सर भी बहुत अच्छा इंग्लिश समझाते हैं, पढ़ाते हैं, हमें बहुत अच्छा टीचिंग मिली है यहाँ पे। और मेरे जूनियर से ये कहना चाहूँगी कि हार मत मानिए, जितना भी हुआ है अल्लाह का शुक्र अदा करके आगे बढ़िए। और हमारे स्कूल बेगम लतीफ़ा जमखाना वाले का नाम बहुत रोशन कीजिए और अपने वालिदैन का भी नाम रोशन कीजिए, उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तस्लिमा मंसूर मकानदार है। मैं बेगम लतीफ़ा जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल से 3 साल तालीम मुकम्मल कर चुकी हूँ। इस साल मेरा एसएससी इम्तिहान में 84.32 परसेंटेज हुआ है और सबसे हाईएस्ट में उर्दू और इंग्लिश में हुआ है। और मैं न्यू गांधीनगर की रहने वाली हूँ। और मेरा आगे का एम है कि मैं साइंस लेकर डॉक्टर बनूँ और मैं इस ख्वाब को इंशाल्लाह पूरा करूँगी। आपके अब्बा क्या करते हैं? अब फर्नीचर करते हैं। जी जी, बोलिए आगे। और मैं आगे करूँगी इंशाल्लाह। हाँ। और मेरे पेरेंट्स का भी मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के वजह से आज मैं यहाँ पे। और कुछ कहना चाहेंगे नई जनरेशन के लिए? हाँ, आगे डरो मत और तालीम हासिल। शुक्रिया। मेरा नाम अल्फिना मरीजन कुरैशी है। मैं बेगम लतीफ़ा जमखाने वाला गर्ल्स हाई स्कूल से तालीम हासिल कर चुकी हूँ। मेरा इस साल एसएससी का रिज़ल्ट 84.32 हुआ है
मेरा उर्दू इंग्लिश और एसएस में ज़्यादा हुआ है परसेंटेज, मैथ्स और साइंस में थोड़ा कम हुआ है। क्या वजह कम होने की? मैं मैथ्स को बहुत इजी समझती थी लेकिन वो बहुत टफ। आप मैथ्स को इजी क्यों समझते थे? मुझे पहले बहुत इजी लगता था मैथ्स लेकिन पेपर देखने के बाद बहुत हार्ड लगा। अच्छा, तो अभी मैथ्स इम्प्रूव करेंगे आप? हाँ। तो मैट्रिक के बाद क्या करेंगे आप? इंजीनियरिंग। कौन सी कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं? अभी डिसाइड नहीं करे। क्या करते हैं आपके वालिद? फैब्रिकेटर है। रहने वाले यहाँ? वीरभद्र नगर में। ठीक है, क्या मैसेज देंगे नई जनरेशन आने वाली लड़कियों के लिए? यही कि घर में बैठ के कुछ फायदा नहीं होता। आगे एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सही, तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी के लिए। यही कहना चाहेंगे जी। शुक्रिया हमारे से बात करने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया महबूब जकाती है, मैं आज़ाद नगर की रहने वाली हूँ। मेरे स्कूल का नाम बेगम लतीफ़ा जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल है। मैंने यहाँ 3 साल तालीम हासिल की है। मेरा 10th का परसेंटेज 82.72 हुआ है। मुझे मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला है। मैं PUC सेकेंड ईयर के बाद लेक्चरर की बनना चाहती हूँ। और मैं आने वाले जनरेशन के लिए ये मैसेज करना चाहती हूँ कि तालीम बहुत ज़रूरी है, लड़कियों की तालीम अब बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ तालीम। जी शुक्रिया हमारे से बात करने के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्बा यास पेपाई है, मैं उज्जवल नगर में रहती हूँ। मैंने SSLC में 82.24 मार्क्स लिए हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी खासतौर पर मेरी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और यहाँ की उस्ताद भी बहुत मोटिवेट करते हैं। यहाँ के उस्ताद से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत डरती थी, उन्होंने हर एक कदम पर मेरा सपोर्ट किया है। और मेरी जूनियर से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर बैठने से कुछ नहीं होगा, तालीम हासिल करो। तुम्हारा इतना काम आए तो आगे तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और अब जो SSLC इम्तिहान देने वाले हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ रिवीजन खास तौर पर करो, रिवीजन से मार्क्स बहुत नहीं करने से मार्क्स बहुत जाते हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवीरिया इरशाद अहमद गोंडी है, मैं वीरभद्र नगर की रहने वाली हूँ। मैं SSLC एग्जामिनेशन में मेरा 80.32 हुआ है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहती हूँ और उसके बाद हमारे स्कूल के जो स्टाफ हैं उन सब का शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि वो हर एक मोड़ पर हमें आगे चलना सिखाया है। और आप सभी को भी ये बोलना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, आगे आगे हमें बहुत काम आने वाला है, हर खास करके लड़कियों को आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुहिना मंसूर तोरे वाले है, मैं BLG गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबे इल्म हूँ। मैंने इस साल SSLC में 76.96 परसेंटेज हासिल किए हैं और मैंने उर्दू और SS में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। SS में 96% हुआ है, मैथ्स में थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मैंने मैथ्स तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये मेरी गलती थी कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे तो तब मेरे दिमाग में रहता था, बाद में मैं घर जाकर जब पढ़ती थी तो तब थोड़ा नहीं रहता था। मेरी गलती थी कि मैं सर को पूछना था जाकर, दोबारा मैं नहीं पूछी और इसलिए मेरे मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आए हुए हैं। मैं शिवाजी नगर की रहने वाली हूँ। मैं आने वाली जनरेशन को ये कहना चाहती हूँ कि घर पर बैठकर ऐसे मत बैठिए, आगे जाकर कुछ अच्छा बनिए। मैं साइंस लूँगी, फिर से पढ़ सकेंगे, साइंस लूँगी, उसके बाद हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ये मेरा एम है। आपके डैडी क्या करते हैं? मेरे डैडी माइंस का करते हैं। माइंस का करते हैं, ठीक है, शुक्रिया आपका। मेरा नाम उस्मा मुबारक है, मैं आज़ाद नगर की रहने वाली हूँ। मेरे मदरसे का नाम बेगम लतीफ़ा जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल है जो आज़ाद नगर में मौजूद है। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैंने SSLC एग्ज़ाम में 76.5 कुछ तो हुआ है। मैं उसके बाद मेरे टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अच्छी तालीम और तरबियत दी। उसके बाद मैं मेरे पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं आने वाली जनरेशन से मिलना चाहती हूँ, घर में बैठकर कुछ नहीं होता, आगे जाए और अपने बलबूते पर पैरों पर खड़े होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा गौस कलाल है, मैं आज़ाद नगर की रहने वाली हूँ। मैंने बेगम लतीफ़ा जमखाने वाला गर्ल्स हाई स्कूल में तीन साल तक तालीम मुकम्मल की है। मेरा इस साल का रिज़ल्ट 78.8 हुआ है।
मेरा उर्दू और एसएस पे बहुत अच्छे मार्क्स हुए हैं। मैं साइंस लेकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और आने वाली जनरेशन से ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों की तालीम इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगर घर में बैठ गए तो कुछ भी नहीं होगा, आगे चलकर हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? ये टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। हर टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और मेरे माँ बाप ने भी बहुत सपोर्ट किया है। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स हमारे पापा का दुकान है। जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्नीम इम्तियाज अहमद मुल्ला है। मैं SSLC के रिजल्ट में 81.6 मार्क्स ली हूँ। मेरा स्कूल BLG गर्ल्स हाई स्कूल है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आगे चलकर मुझे साइंस लेना है। भारतीय स्कूल में एडमिशन हुआ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा ये है। IT में काम करना चाहेंगे अब? हाँ जी, शुक्रिया। नई जनरेशन के लिए क्या कहेंगे? घर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर आपका फ्यूचर आपको सुधारना है तो आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कुछ बात बने। जी, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निधिया हुसैन साहब शेख है। मैं न्यू गांधीनगर से रहती हूँ। मैंने बेगम लतीफ़ा जमखाने वाला गर्ल्स हाई स्कूल में 3 साल तालीम हासिल की है। मेरा 10th का परसेंटेज 80.16 हुआ है। मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं आर्ट्स लेकर ITS करना चाहती हूँ और मेरे माँ बाप और मेरे स्कूल का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। कोई भी IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहता आप में से? IPS। वेरी गुड वेरी गुड। आप में से कोई नहीं बनेंगे, UPS एग्जाम्स नहीं बैठेंगे कोई भी? कोई भी इतने होशियार नहीं है, कोई भी इतने टैलेंटेड नहीं है कि IPS ऑफिसर बने आप? मुझे 10th के एग्जाम में मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है और स्कूल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन मोहम्मद इजामुद्दीन खान है। मैं आज़ाद नगर में रहती हूँ। बेगम लतीफ़ा जमखाना गर्ल्स हाई स्कूल के सभी असातिज़ा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है और एग्ज़ाम्स में बहुत सपोर्ट किया है कि आपको बहुत तवज्जो देने पड़ेगी आपको। अगर हमें मुस्तकबिल अच्छा बनाना है तो हमें ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी अपनी तालीम में। और मैं UC सेकेंड ईयर के बाद BEd कोर्स करके टीचर बनना चाहती हूँ। और हमारे माशरे को एक अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत है ताकि वो अपने माशरे को अच्छा बना सके। तो नई जनरेशन के लिए क्या कहेंगे? मैं नई जनरेशन के लिए ये कहना चाहती हूँ कि बेटियों को घर में ऐसा रख के उनको घर के काम लगाना तो एक ऐसा उनके गाँव को घर के काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनको बाहर जाके कुछ नॉलेज हासिल करके वो कुछ बने तो हमारे माशरा और तरक्की करेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। शुक्रिया आपका बहुत। मेरा नाम फर्जुमन महबूब पेपारी है। मैं बेगम लतीफ़ा जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबे हूँ। इस साल मैंने 10वीं के इम्तिहान में 81.76% से कामयाबी हासिल किया है। मैं उज्जवल नगर में रहती हूँ। मेरे स्कूल में मुझे तालिबे उस्ताद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं आने वाली जनरेशन के लिए यही कहना चाहती हूँ कि आजकल तालीम सीखना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तन्वी जावेद पटेल है। मैं उज्जवल नगर में रहने वाली हूँ। मेरे मदरसे का नाम बेगम लतीफ़ा जमखाना वाला गर्ल्स हाई स्कूल है। इस साल मेरे परसेंटेज 76.96 हुआ है। मैं आने वाली जनरेशन को ये मैसेज देती हूँ कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन हमें उसे डट कर सामना करना पड़ेगा। जी बोलिए। और नो प्रॉब्लम। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मैकेनिक है। हाँ। मम्मी हाउस मेकर। जी 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 जी। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एक सर्जन डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी 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 जी, ठीक है, शुक्रिया आपका। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा न्यूज़ चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।